नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कोविड काल में, जिसमें आज हम बात करना चाहेंगे देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंदर बीते 3 सालों में अप्रैल मई जून महीने के अंदर हुई मौतों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप के चलते बीते वर्ष 2020 और 2021 में चिंताजनक स्थिति बनी रही, जिसके बीच लॉकडाउन में सभी लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, तो वहीं सभी कारोबार ठप हो गए थे। वहीं देहरादून नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल मई और जून महीने के आंकड़ों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें से लिंक के साथ नगर निगम क्षेत्र के अंदर व बाहर और प्रदेश से बाहर के मृतकों के आंकड़े शामिल हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं साल 2019 की तरफ। तो कोविड काल से पहले 2019 में अप्रैल महीने के अंदर कुल 640 मौतें हुई, जिनमें 413 पुरुष और 227 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 640 मौतों में से 526 लोग देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 73 क्षेत्र से बाहर के थे, जिसके साथ 41 लोग दूसरे प्रदेश के थे। वहीं अब आगे बढ़े मई महीने की तरफ, तो मई में मामलों का इजाफा होते हुए कुल 852 लोगों की मौत हुई, जिनमें 544 पुरुष और 308 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इसके साथ 680 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 99 लोग क्षेत्र के बाहर थे और 73 लोग प्रदेश से बाहर के निवासी पाए गए। वहीं जून महीने में कुल 580 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 375 पुरुष और 205 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इनमें से 474 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 62 लोग क्षेत्र से बाहर के पाए गए, जिसके साथ 44 लोग उत्तराखंड के बाहर के निवासी थे। वहीं साल 2019 के आंकड़े जो कोविड काल से पहले के हैं, इन सब में किसी की मौत सड़क दुर्घटना, कोई बीमारी या अन्य कारणों से हुई है, पर 2020 में लॉकडाउन के बाद से इन आंकड़ों में खासा फर्क पाया गया है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं साल 2020 के आंकड़ों की तरफ। तो साल 2020 में मार्च के आखिर में लॉकडाउन लग जाने के बाद से लोगों को अपने घरों में रहने के चलते किसी भी प्रकार का कोई सड़क हादसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अप्रैल महीने में इन आंकड़ों में भारी गिरावट हुई, जिनमें महज 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं, जो नगर निगम क्षेत्र के निवासी थे। वहीं बात करें मई महीने की, तो धीरे धीरे जब कोविड-19 विश्व भर में अपना कहर ढा रहा था, तो देहरादून में लॉकडाउन के दौरान मई में कुल 708 लोगों की मौत हुई, जिनमें 486 पुरुष और 222 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इनमें से 583 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 74 क्षेत्र के बाहर के हैं, जिसके साथ 51 लोग प्रदेश के बाहर के निवासी थे। बात करें इनमें कोविड के आंकड़ों की, तो मई 2020 में देहरादून जिले में कुल 171 मामले सामने आए थे, जिनमें से केवल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिससे साफ देखा जा सकता है कि अन्य जगहों के मुकाबले देहरादून में मुख्य तौर पर कोविड से नहीं बल्कि अन्य कारणों से लोगों की मौत हुई थी। वहीं नजर डाले जून के आंकड़ों की तरफ, तो जून में अनलॉक मोड के चलते धीरे धीरे लोगों की आवाजाही देखने को मिली, जिसकी वजह से जून में कुल 810 लोगों की मौत हुई, जिनमें 521 पुरुष और 289 महिलाएं हैं। वहीं इनमें से 756 लोग क्षेत्र के अंदर और 29 क्षेत्र के बाहर के थे, जिसके साथ 25 लोग राज्य के बाहर के निवासी थे। बात करें कोविड के मरीजों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उस वक्त देहरादून जिले में कुल 692 मरीज मिले थे, जिनमें से सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कोविड-19 के प्रकोप के चरम पर पहुंचने पर इन आंकड़ों में खासा फर्क पाया गया है, जिसके साथ अब बात करें साल 2021 के आंकड़ों की, तो अप्रैल महीने में साल 2020 के मुकाबले में काफी बढ़त हुई है, जिसके साथ अप्रैल में कुल 708 लोगों की मौत हुई, जिनमें 448 पुरुष और 260 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इनमें से 650 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 40 लोग क्षेत्र के बाहर के हैं, जिसके साथ 18 लोग अन्य प्रदेश के निवासी थे। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देहरादून जिले में उस वक्त 16,793 एक्टिव केसेस थे और कुल 1,479 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करें मई महीने की, तो देहरादून नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मई में पिछले 2 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा 1,981 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 1,268 पुरुष और 713 महिलाएं हैं। वहीं 1,883 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और 46 लोग क्षेत्र से बाहर के हैं, जिसके साथ 52 लोग प्रदेश से बाहर के निवासी हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देहरादून जिले में उस वक्त 3,251 एक्टिव केसेस थे, जिसके साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,169 तक पहुंच गया था। वहीं देहरादून नगर निगम का यह आंकड़ा जून के महीने में कुछ हद तक कम पाया गया, जिसमें कुल मिलाकर 1,797 लोगों की जान गई, जिनमें से 1,046 पुरुष और 751 महिलाएं शामिल हैं।
तो वहीं 1758 लोग नगर निगम क्षेत्र के अंदर और केवल 20 लोग नगर निगम क्षेत्र के बाहर के रहने वाले थे, जिसके साथ 19 लोग उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में भी गिरावट पाई गई, जिसके साथ जून में देहरादून जिले के अंदर उस वक्त 825 एक्टिव केसेस दर्ज हुए, लेकिन मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3493 पाया गया। तो ये थी साल 2019, 20 और 21 में अप्रैल, मई और जून महीने में हुई मौतों की एक छोटी सी पेशकश। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही विशेष खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।